व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन, सुनो फ्रिक्शन क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर चलना चाहे तब ये लगता है। ध्यान से सुनना, समझा रहे ध्यान, सुनो जैसे मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर तुमने एक ब्लॉक रखा, तो ये जो ब्लॉक है इसका शेप अगर देखोगे माइक्रोस्कोप से तो ये ऐसे ऐसे होता है, खुरदुरा होता है ऐसे, और जो जमीन की सतह है उसमें इसके खाने जाकर ऐसे अटक जाते हैं यूं। तो तुमको यहां जब खींचोगे तो तुमको इसके इस ब्लॉक में से इसको निकालना पड़ेगा जहां ये फंस गए, तो तुम्हारा ये फोर्स की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि इधर इसके रुकावटी फोर्स लग रहा है ये, तो यही तुम्हारा फ्रिक्शन है। बताओ ये समझे कि नहीं, ये समझे कि नहीं, बोलो। तो फ्रिक्शन जो है रबिंग की वजह से एग्जिस्ट करता है, किसकी वजह से, रबिंग की वजह से, इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी है क्योंकि चार्ज के यहां क्रिएट हो रहा है रबिंग से। बोलो समझ पा रहे हो बात, बोलो बात समझ पा रहे हो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, फ्रिक्शन मेनली दो तरह का होता है, कितने तरह का, दो तरह का, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहले मैं तुमको स्टैटिक फ्रिक्शन समझा रहा हूं, देखो ध्यान समझना, ये कोई ब्लॉक रखा है एम मास का और जमीन रफ है, मतलब यहां पर फ्रिक्शन है, खुरदुरा है सरफेस, तुमने इस पर अभी कोई फोर्स नहीं लगाया है, इधर फोर्स लग रहा है जीरो, कोई फोर्स नहीं लगाया तुमने, बताओ ब्लॉक चलेगा, ये ब्लॉक चलेगा, इसमें कोई फ्रिक्शन लग रहा है, इसमें कोई फोर्स लग रहा है नहीं, इसकी वेलोसिटी कितनी है ब्लॉक की, जीरो ना, तो अभी फ्रिक्शन जीरो है सब। अब मान लो तुमने इधर फोर्स लगाया एक न्यूटन का और ये ब्लॉक बहुत भारी है, तुमने एक न्यूटन का फोर्स लगाया और ये ब्लॉक बहुत हैवी है, तो क्या ब्लॉक चलेगा, मानो ब्लॉक नहीं चल रहा क्योंकि बहुत भारी है, तो मुझे बताओ इस पर नेट फोर्स कितना है, अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो नेट फोर्स कितना है, इधर बात समझो, तुमने एक न्यूटन का फोर्स लगाया ब्लॉक नहीं चला, इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा, बोलो यार, अगर वेलोसिटी जीरो है एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगा ना, तो अगर फोर्स जीरो है तो कैसे है, फोर्स तो लग रहा है ना एक न्यूटन का, तो इसको जीरो करने के लिए इधर एक फोर्स चाहिए कि नहीं एक न्यूटन का, यही स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी जब ब्लॉक किसी सरफेस के ऊपर रुका हो तो जितना फोर्स तुम लगा रहे हो, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय मैन, तो जितना मैन फोर्स लगाएगा ब्लॉक को रोकने के लिए सरफेस भी उतना फोर्स लगाएगी, और सरफेस जो फोर्स लगाएगी उस पर बड़ी ईमानदारी होगी, ईमानदारी ये होगी कि अगर ये एक न्यूटन का तुम लगाए हो तो एक ही न्यूटन का ये लगेगा, बोलो समझे। अब मान लो तुमने इसको कर दिया दो न्यूटन, तो ये रुका है, मान लो अभी भी रुका है, हो सकता है कि चल देने की अभी चल नहीं रहा, तो ये भी फोर्स हो जाएगा दो न्यूटन, तभी तो कैंसिल होगा। तो जितना फोर्स तुम लगाओगे, दो न्यूटन तीन कर दोगे तो ये भी तीन हो जाएगा, चार कर दोगे तो ये भी चार हो जाएगा, पांच कर दोगे तो ये भी पांच हो जाएगा, समझ गए ना बात। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का उद्देश्य होता है ब्लॉक को रोकना, और ये उतना ही लगता है जितना अप्लाइड फोर्स है, जितना तुम लगा रहे हो उसको चलाने के लिए, बोलो बात समझ पाए। लेकिन देखो यार एक चीज समझो, ऐसा तो है नहीं कि तुम फोर्स लगाते रहोगे, बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे और ये चल भी नहीं करेगा, रुका रहेगा, ऐसा भी तो नहीं है ना, कभी ना कभी तो चलेगा। तो कैसे जानेंगे कि अब ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, तो कितना फोर्स है, यानी अब मैं बात कर रहा हूं, देखो दो चीज है, पहली है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या है पहली, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरी है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, बात समझे कि नहीं, पहली बात है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरी है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। अब इसमें बच्चे होते हैं बहुत कंफ्यूज,
अब यही से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे ही तुम लोग को फॉर्मूला दिखता है तुम लोग पगला जाते हो, फॉर्मूला देखते ही तुम लोग हो जाते हो पागल। तो अब मैं तुमको ये बता रहा हूं कि तुमको कहां पागल नहीं होना है, ध्यान से सुनो। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है नॉर्मल, ये हमेशा लगाए गए फोर्स पर डिपेंड करेगा। अब इसको समझो पहले, जैसे तुम चार लगा रहे थे तो ये भी चार लग रहा था, तुम तीन लगा रहे थे तो ये भी तीन लग रहा था, तुम दो लगा रहे थे तो ये भी दो लग रहा था, एक लगा रहे थे तो ये भी एक लग रहा था। तुम्हारा फोर्स जीरो था तो इसका फोर्स भी जीरो था। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत समझदार फोर्स है। कैसा फोर्स है, कैसा फोर्स है, ये बहुत ही स्मार्ट फोर्स है। ये उतना ही लगेगा जितना ब्लॉक को रोकने के लिए जरूरी है। बताओ ये बात समझे। दूसरी बात ये कि इस समझदार फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू है। क्या? इस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ये उससे ज्यादा नहीं लग सकता। तो वो जो वैल्यू है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। अब उसका फॉर्मूला है Fs max, Fs max का मतलब समझे? देखो F माने फ्रिक्शन, F माने स्टैटिक फ्रिक्शन, max माने सबसे बड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इनटू आर। आर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, समझ रहे हो ना? आर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है। म्यू एस जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब यहाँ पे कितना फ्रिक्शन है, हर सरफेस का एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अगर यही पर ये स्मूथ होता तो म्यू एस की वैल्यू जीरो हो जाती, मतलब जो सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा उसका म्यू एस उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है ना? अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? तो मान लो म्यू एस इंटू आर, म्यू एस की वैल्यू मान लो 1/2 है और आर की वैल्यू मान लो 600 है। तो बताओ 600/2 कितना आया? 300 न्यूटन आया। तो 300 न्यूटन एफ एस मैक्स तुमने निकाल लिया 300। हाँ बोलो। अब तुमसे एग्जाम में या मालूम मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भैया बताओ इधर एक न्यूटन लग रहा है, तो एक पर्सन है, एक ब्लॉक है, उस पर एक न्यूटन का उसने फोर्स लगाया और एफ एस मैक्स की वैल्यू 300 है, तो बताओ कितना फ्रिक्शन लगेगा? एफ एस मैक्स की वैल्यू 300 है, एक न्यूटन का फोर्स तुमने लगाया है ब्लॉक को चलाने के लिए, बताओ कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा? एक लगेगा, एक को रुकना है, एक लगेगा। समझे कि नहीं? 300 तो मैक्सिमम वैल्यू, ये लगेगा नहीं, ये डिपेंड करेगा तुमने कितना फोर्स लगाया है, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना लगेगा। अब ध्यान से सुनो, एक लगाओगे तो एक लगेगा, सही है? और 200 लगाओगे 200, तो ये 200 लगेगा, बोलो सही है? और अगर इसको 300 कर लोगे, अगर इसको 300 करोगे तो 300 लगेगा, बोलो सही है? और अगर जैसे इसको 301 करोगे तो 301 लगेगा, बोलो सही है? नहीं, 300 एफएस मैक्स है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। 301 300 से ज्यादा होता है, 301 नहीं लग सकता पीछे, क्योंकि एफएस मैक्स की बड़ी वैल्यू 300 है। अरे बोलो समझे? इसका मतलब अब क्या होगा, अब ब्लॉक चल देगा, अब ब्लॉक चल देगा। तो ब्लॉक के चलने की शर्त क्या है? व्हाट इज द कंडीशन दैट ए ब्लॉक विल मूव ऑन ए सरफेस? लगाया गया फोर्स ज्यादा होना चाहिए किससे? एफ एस मैक्स से। बोलो सही बात। तो जो लगाया गया फोर्स है वो जो मैन जो लगा रहा है वो एफ एस मैक्स से ज्यादा होगा तभी ब्लॉक चलेगा। बोलो ठीक है, सब लोग बात समझ गए? पूछ रहा हूं सवाल, देखो देखते हैं कितने लोग समझ गए। देखो ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, कितना
100 न्यूटन, इसका नॉर्मल रिएक्शन तुमको दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है 200 न्यूटन, और इसका मास है 10 किलोग्राम, इसका मास है 10 किलोग्राम, और म्यू एस की वैल्यू है 1/4, जी की वैल्यू 10 है। बताओ ब्लॉक चलेगा कि नहीं, ब्लॉक चलेगा कि नहीं, या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg होती है तो 100 आएगी, r की वैल्यू 100 है। चलो बताओ ब्लॉक चलेगा कि नहीं, ब्लॉक चलेगा कि नहीं, अजीब हो यार तुम लोग,